अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक। आज हम अमाना मॉल आए हैं और यहाँ पे हमने सोचा आज घूम फिर लें, ईद का तीसरा दिन एंजॉय कर लें जो दिन बाकी रह गए। कल से वही जी जी सर, दिन कोई बाकी नहीं है, आज ईद का तीसरा दिन खत्म होने वाला है और कल से वही रूटीन, वही बोरिंग बातें, फेड अप लाइफ है हमारी, वही पुरानी वाली बीचें, हम क्या कर सकते हैं उसके बाद। तो हम आपको बाकी मनाजिर भी दिखाते रहेंगे और साथ साथ दिखाएंगे हमारे फसम भट्टी साहब कैसे मटके लगाते हैं, दिखाते हैं आपको नाजरीन। नाजरीन एक और बात, आज फैमिली डे था, यहाँ पे अंदर आना अलाउ नहीं था बिकॉज हम तीन हैं, लेकिन ये हमारे हाफिज़ साहब हैं, इन्होंने बाहर जाके एक आंटी से बात की, उनसे पता नहीं क्या क्या कहा, आई डोंट नो कि इन्होंने किस तरह से उनको पटाया या फिर किस तरह से उनसे बात की, जैसे भी कहें यार, मेरी मामा नहीं पूछा सर, मैं वही बात कह रहा हूँ सर, पता नहीं इन्होंने उन्हें क्या कहा और उसके बाद वो हमारे साथ अंदर आई, हम उनके भी बहुत मशहूर हैं और आप साहब से ज़्यादा मशहूर हैं। नाजरीन सिर्फ मुंह का कमाल होते हैं, मेरा मुंह ही ऐसा है कि हर भी मान जाते हैं। हाँ क्या बात है, किस लगे हो? आऊं मैं तुम दो यहीं की बनाई था क्या चूतर बनी था। ये जूतियों का यहाँ पर स्टॉल है, आप यहाँ से बहुत अच्छी जूतियाँ भी खरीद सकते हैं, हम देख सकते हैं आप हर वैरायटी की नज़र आ रही है, वैसे हमें तो नहीं पसंद कौन सी वैरायटी अच्छी है कौन सी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट आप यहाँ आकर ख़ुद विज़िट करके ले सकते हैं। अब सर रुकते नहीं हैं, आने 10 सेकंड की हो गई है, नाजरीन आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक छोटा सा प्ले लैंड भी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे किस तरह से खेल रहे हैं। नाजरीन ये अमाना मॉल जो है लाहौर में एक ऐसा मॉल है कि जो कि एक कंप्लीट पैकेज है और इस कंप्लीट पैकेज में आप अपनी शॉपिंग के साथ साथ अपने बच्चों के लिए जो कहने के उनकी उनका फ्री टाइम है वो यहाँ पे बड़े अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हैं और मज़ीद आपको आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। नाजरीन ये प्ले लैंड की जो जो फ्रंट साइड है वो है सारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और इसके अलावा ये काफ़ी बड़ा प्ले लैंड है, यहाँ पे जो बच्चे खेल रहे हैं तो आप वो मज़ीद भी आके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है, देखते हैं आगे क्या ये एहसान साहब तस्वीर लेने पर लगे हुए और शूट कर रहे हैं, उनको लाना चाह रहे हैं जो कि उल्टा नजर आएगा। हाँ जी एहसान साहब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, ये कंप्लीट पैकेज है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया यहाँ पे पाकिस्तान के जो बड़े से बड़े ब्रांड हैं, कौन सा पाकिस्तान के ब्रांड जैसे कि निशा भाई, जूम करके भाईजान एक मिनट ठहर देना, नाजरीन पिक्स लेनी है, क्या करें कभी कभार ही आना होता है प्लीज़। ये देखें एहसान साहब शूटिंग कर रहे हैं भाई, मुख्तलिफ मॉडल्स की तरह डिज़ाइन, अबे यार हेलो एहसान साहब, बी स्माइल प्लीज, जिगर स्माइल कर दे एक दफ़ा। हाँ थैंक यू।
नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे जो दो बशिंदे हैं वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर फंसे हुए हैं। वो देखिए इशारा कर रहे हैं सर एहसान साहब, वो कैब वाले भाई सर इमरान साहब हैं, और बहुत ही ज़्यादा हजूम है यहाँ पे। ओए होए बस ये रेड ऑथेंटिक एशियन फूड है। और ये है जी लाहौर चाओ पैटी। वो तेरी मैं भी कभी इतनी जल्दी क्या इन्वर्टिंग हाफिज साहब। और हाफिज साहब की स्माइल लेके मुस्कुरा रहा है, शायद पहली दफ़ा यहाँ पे आया हमारी तरह। जी तो नाज़रीन अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे मैंने आपको दिखाया था प्ले लैंड एरिया था कुछ। यहाँ पे कुछ ऐसी गेम्स हैं जो बड़े लोगों के लिए खेलने के लिए भी हैं, बड़े लोगों के खेलने के लिए। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा है। और आप देख सकते हैं ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है नाज़रीन, ये देखें ये कितना बेहतरीन झूला है जिसमें बड़े छोटे बच्चे तकरीबन सभी झूला झूल सकते हैं। और गेम्स भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैं नाज़रीन। लगता है कि इमरान और इब्तिसाम दोनों हैं वो कहीं गुम हो गए हैं, चलें खैर उन्हें देखते हैं। आई थिंक ये रहे, इनके पास जाते हैं और इनसे कहते हैं कि भाई आप झूले क्यों नहीं ले रहे यार, यार इतने बड़े होने के बावजूद आपको चक्कर आते हैं, बड़ी अजीब सी बात है। खैर कोई बात नहीं, जो लोगों को चक्कर दिए ना वो वापस आ रहे हैं आपको, और कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जो आपने लोगों को चक्कर दिए ना वो वापस आ रहे हैं। खैर देखते हैं आगे क्या होता है मज़ीद। ये देखते जी ये झूला हमारे जैसे इसमें झूला लेगा ना तो उसकी तो दुनिया ही ख़त्म उस दिन से भाई, दुनिया ही ख़त्म। और इनकी बड़ी हिम्मत है नाज़रीन, ये रैंडमली घूमने वाला है कोई झूला है, पता नहीं इसका नाम भी क्या है, आप देख सकते हैं झूला, पता नहीं ये किस तरफ घूमेगा और किस तरफ ये रुकता है, किस तरफ घूमता है, कभी किसी को बिठा रहे हैं कभी किसी को यहाँ से निकाल रहे हैं, अल्लाह ही बेहतर जाने यार बच्चे किस तरह वाले नहीं बैठ सकते। एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं बैठ सकते। और आप ये देखें ये जो आपको सामने ये रेड कलर में नज़र आ रही है, ये जो बड़े बड़े मेले जो होते हैं उनमें जो कश्तियाँ वगैरह आती हैं ना, आप देखें कि पहले ये सारी चीज़ें आउटडोर हुआ करती थी और आज दुनिया कितनी जिद्दत को पहुँच चुकी है कि ये सारी चीज़ें नहीं भाई हमारे बस की बात नहीं है, या फिर आप ये कहें कि हमारा टाइम शायद जा चुका है झूले लेने पर। आप तो हम तो बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं यार। अब पता चलेगा बेटा, डर लगेगा घूमो आप देखते जाओ। प्रिंसेस गिर जाओगी नहीं गिरोगे, ये तो पागल है बड़ी दू। आज इमरान साहब दूसरी साइड को चलता है, चला जाए इमरान शॉर्ट वीडियो। सिंपल एटी के स्पेशल है, ये सिंपल है, ये सिंपल है। सिंपल कितने का? 80 का। ओए आपने मुझे 30 रुपया नहीं मिलता ना,
सही ना सही ना बनी है वैसे उसमें कही कही कि यार आप यार सो आप देखते होंगे खाना मॉल आज हम घूमने फिरने आए हैं चलो सिर्फ घूमने आए कुछ खरीदने नहीं आए क्योंकि पॉकेट में कुछ था ही नहीं तो आप लोग भी कैमरे में घूमें फिरें देखें आवाज़ का शायद मसला हो सकता है क्योंकि जो शोर है वो बहुत ज़्यादा है बस एहसान साहब आपको कैसा लग रहा है बताइए भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया है बहुत ही अच्छा लग रहा है तरह तरह की दुनिया यहाँ पे देखने को मिल रही है और हाफिज़ साहब बाकी हाफिज़ साहब की तो ईद बेसिकली आज है क्योंकि हम निकले ही आज हैं जी दो दिन तो कुर्बानी में सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जब फील हो रहा है मैं बेसिकली यहाँ पे फोटो के लिए आया था फोटो शूट हो गया आपका नहीं सर एक रहती है दोस्तों हम वापस जाने लगे जी काफ़ी टाइम हो गया और अब हम अपने घर जा रहे हैं मॉल का ही बंद करने का वक्त हो गया सर सर जी बंद हो गया आपके जो हमारा मॉल है ये 10 बजे बंद हो जाता है चाहे आप टैक्सी को चाहे आप इंपोरियम हो 10 बजे एंड हो जाता है और अगर आप लोकल में जाएंगे तो 5 बजे दोबारा फोन नहीं दे सकता तो हम अपना सफर आपको इनके मैनेजर ने गुब्बारा फाड़ने की वजह से कुछ देर के लिए रोका तो रोका लेकिन आप साहब माशाल्लाह इतने चुलबुल हैं इन्होंने उनको जादू की झट्टी दी और उन्होंने इनको जाने तो मुन्ना भाई MBBS है उसमें जो जादू की झट्टी दी भट्टी साहब एक तो बंद कर देंगे चलो अब हम आ गए हैं बाहर और ये बिल्कुल बाहर का माहौल सर इनको दिखाएं नाज़रीन ये बाहर के नाज़रीन